द रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट, हमने कल बता दिया स्पीड ऑफ साउंड जो होता है 344 मीटर पर सेकंड 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 रूम टेम्परेचर अप्रॉक्स होता है 25, तो जो हमारी 344 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, इसको लाइट में अगर कन्वर्ट करते हैं लाइट होती 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो बहुत ज़्यादा, जो हमने करीब 30 करोड़ मीटर पर सेकंड बन जाती है। कहाँ 344, कहाँ 330 करोड़। तो 30 करोड़ अगर आपको देखा होगा तो पहले आप पे बिजली गिरेगी फिर आवाज़ आएगी, है ना? पहले देखा है, पहले करंट लाइट दिखाई देती है, फिर बहुत देर थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है पटाख, जब बिजली कड़कती है। देखा है, पहले लाइट दिखती है, फिर थंडर, क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म, ये वो ना थंडर स्टॉर्म है ना, वही जो आवाज़ होती है ना, गड़गड़ा गड़गड़ा, है ना, इस तरह से आती है। तो वही है, तो वही है, रेनी सीजन में देखा होगा, फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन फर्स्ट एंड साउंड ऑफ थंडर इज हेयर अ लिटिल लेटर, दिखाई दे रहा है। तो ये आपने देखा है बरसात के मौसम में, ऐसी नॉलेज के नाम बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। अगर 30 करोड़ को अगर आप डिवाइड करोगे, है ना, 30 करोड़ को आप डिवाइड करो, है ना, तो क्या होगा, 8 है। अगर हम डिवाइड करते 3 × 8 = 0 है ना, 3 × 8 = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई कैसे करें, घंटा बनाना है, मीटर पर सेकंड है ना, पहले आवर कर लो, मीटर पर आवर, तो क्या होगा, यानी 3600 डिवाइड कर दो, 2 0 कट गए, मान लो अब बचे कितने, 8 × 6 = 0 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइड बाई 36 है ना, तो डिवाइड करोगे कितना आएगा इसको, हैं, कितना आएगा डिवाइड करके, शाबाश बताओ, हैं, अगर इसको डिवाइड करते कैलकुलेटर से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 3, 6 डिवाइडेड बाई 36, ये हो गया 83333, यानी 83,333, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किलोमीटर में बनाने के लिए, फिर से क्या डिवाइड करेंगे हम, हाँ, किससे, 1000 से डिवाइड कर दो, तो आपके कितना हो गया, 83 किलोमीटर। पहले हम आवर क्यों बना रहे हैं इसका, है ना, एक काम करो, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, 1, 2, 3, 4 किलोमीटर पर आवर सेकंड करो ना, घंटा क्यों ना, है ना, इसको 1500 से डिवाइड करो बस, एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर है ना, तो कितना हो गया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख, 30 करोड़ है ना पर सेकंड मीटर में, तो कितने जीरो उड़ जाएंगे, 8 × 3 = 2 कितने उड़ गए, 1, 3, 3, 6, 7, 8 तीन उड़े ना, तो 3 × 2 = 5 बचे, हाँ सही है। आप बताओ कैसी रही, हेलो, हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, हाँ जी, कौन सी क्लास, हाँ हाँ हाँ, कहाँ से, कहाँ रहते हैं, कौन सी पीजी, कमला नगर में स्पार्क मॉल के सामने, हाँ सर याद आ गया, अच्छा अच्छा, तो मैं आपको ना एक मुझे व्हाट्सएप कर दो मेरे नंबर पे, अपना नंबर, अपने मेरे नंबर पे ना व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, मैं आपको कॉल करके बताता हूँ, 9 V 9 5 5 3 9 8 पर, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करके बताओ, ठीक है, 9 5 5 3 9 8 पर, ठीक है, अपना वो अपने बारे में लिख देना, मैं आपको कॉल करके बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये थी सारी बात। दूसरा कह रहा है, इन द गेम ऑफ क्रिकेट द बॉल इज सीन टू हिट द बी बैट फर्स्ट एंड साउंड ऑफ हिटिंग इज हर्ड ऑफ लिटिल। अगर आप क्रिकेट के ग्राउंड कोई देखने गए, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कोई गया है, उन्हें देखा नहीं, देखा ग्राउंड में, जब आप देखा होगा तो वो बॉल से मारता है पटाख, मारते मारते दिखाएगा, लेकिन आती आवाज धम, बल्लों की आ जाती है धम जैसी, कभी ग्राउंड पे जाना, कभी बहुत तेज तेज आवाज आती है, क्योंकि वो ग्राउंड खाली होता है ना, इको सुना ना, 70.2 मीटर
कम से कम अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस है तो एको हो जाता है पिक्चर हॉल में, इसलिए एको के कारण एक क्वेश्चन है रेवरेवेशन, हाँ जो आवाज़ गूंज सकती है, इसलिए वो लोग क्या कहते हैं वहाँ पर लकड़ी स्पंज, जो छत्ते होती है देखना वो लकड़ी लगी होती है पिक्चर हॉल में, कभी देखना वो लकड़ी इसलिए लगी शो ऑफ के लिए नहीं, वो लकड़ी इसलिए लगी है क्योंकि वो जो इको हो रही है उसको एब्जॉर्व कर सके, इसलिए वो जो बेंच चेयर होती हैं जो पर्दे वहाँ लगाए जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें नॉन मैटर क्या होता है साउंड को एब्जॉर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ये सारी बातें। तो मैं बात कर रहा था बॉल की, बहुत जोर जोर से आवाज़ आती है वहाँ पर, ऐसे वो मारते नहीं बैट से, है ना वैसी आती ऐसी, कट तो नहीं बोल सकता मैं ऐसे करके, जैसे गोली होता बम बोल बम, हाँ बम जैसी आवाज़ आती, जैसे बम नहीं बजाते बम पटाखे जाते बजाता एक बम वाला आता है, बम वाला वो सुतली वाला, वो उसमें आती बम ऐसी आती, वो बल्ले से मारते हैं वो धम बम बहुत तेज़ आवाज़, वो कह रहा है वो आवाज़ आएगी बहुत देर बाद जब उसने मार दिया बल्ले से, बॉल जा रही है तो थोड़ी देर बाद आ जाएगी ग्राउंड पे, ये पढ़ने के बाद वो ये कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि साउंड स्लो चलता है 344, फिर प्रूव हो गया ये प्रॉपर्टी हो गई, साउंड क्या है 344 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट यानी वो चीज़ ऑब्जर्व जो हो रही है वो पहले हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट ये नहीं है, ये लाइट ये जा रही है, आप देख रहे हो ना उसको, आप पहले देख पा रहे हो आवाज़ बाद में आ रही है, यानी कहने का मतलब आपको पता है कोई चीज़ हम जब देखते हैं जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, आपको पता है ना आप किसी चीज़ को ऐसा नहीं देखते, जो हमारी कितनी स्पीड ऑफ लाइट है, हम चांद ऐसे देख लेते हैं, अगर चांद दिख गया पहुँचने में महीनों लग जाएंगे, देख ऐसी दिया एकदम सोच के देखो कितनी तेज, ये जो हमने चांद इसलिए देखा कि चांद पर पड़ी फिर वापस आई, एसी है हमारी अल्टरनेटिंग करंट, कल बता रहा था मैं, आप अलग लग रही है मुझे, थोड़ा अंदर से रख के बैठो, ये बैग एक वहाँ खुशा खा दी सारे आप भी, अच्छा उधर तो इधर खुलवाओ ना फिर, हैं यहाँ इसलिए तो खर्चा किया है मैंने, ये है ना प्रॉपर बैठो सही लगे, हाँ बेटा बेटा आ रही है, ऐसे मैं बता रहा हूँ नॉलेज सुनो मज़ा आएगा फिर पढ़ने में चैप्टर, है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ यहाँ जैसे होता ना एसी में होता है, कल हमने बताई थी बिजली के बारे में थोड़ा सा, है ना समझे, करना मत पकड़े जाओगे, अच्छा मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था अभी, तो देख रहे हैं कितना टाइम लगता है लाइट, हम आल देख लेते, अच्छा हम किसी चीज़ को जब देखते हैं, जब मान लो हमारी जैसे कॉस्को की बॉल फेंकी मैंने फिर वापस आई, तो यानी वो तभी तो हाथ में आई जो गई और वापस आई, वैसी कोई हमारी लाइट पहले उस पर पड़ेगी, फिर उस पर फिर रेटना में उल्टी इमेज बनेगी, हम लोग उल्टा देखते हैं पता है, आदत हो गई उल्टा देखने की, इसलिए अब सीधा लगता है, जैसे चीज़ देखो आप वैसे ही आपको आदत हो जाती है देखने की, यानी कहने का मतलब आप कैसे दिखाई दे रहे हो मुझे, नहीं समझे, आप जो देख रहे हो आपकी टांगें मुझे दिख रही हैं उल्टी, टांगें ऊपर सर नीचे, लेकिन हमें ऐसा देखने की क्या हो चुकी है आदत, इसलिए उसे हम सीधा कहते हैं, समझे, रेटना उल्टी इमेज बनाती है पता है ना आपको, फिर सीधी करती है उसको, उल्टी को सीधा, जिसको हमें लगता है ये सारा एक वर्चुअल है, सारा एक धोखा है, समझे। इफ अ गन इज फायर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस वी सी फ्लैश ऑफ गन, गोली चली लाइट दिखी, गोली पड़ने के बाद पता लगी, फिर आवाज़ आई थोड़ी देर बाद गोली की और हमारी दोनों की एक साथ, है ना, तो वही है फ्लैश गन फर्स्ट एंड साउंड ऑफ शॉट इज हर्ड लेटर। तो ये क्वेश्चन आ जाता है इसका, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो आपकी बुक में है, इफ अ थंडर इज हार्ड अ मैन 4 meters 4 seconds आफ्टर, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आवाज़ जो होती है वो 4 seconds बाद सुनाई दी किसी आदमी को, या सुनो ये क्वेश्चन है आपका, आवाज़ 4 seconds बाद सुनी, क्यों सुनी भाई, कितनी देर बाद सुनी, है ना, हाँ हिंदी में कह रहा है कि आप इंग्लिश पढ़े, इफ अ थंडर इज हार्ड यानी किसी तड़ित, तड़ित मतलब थंडर को कहते तड़ित, इफ अ थंडर इज हार्ड, इफ अ थंडर इज हार्ड बाय अ मैन 4 seconds आफ्टर द लाइटिंग इज सीन, बिजली देने के बाद उसको 4 seconds बाद उसकी आवाज़ सुनाई थी, फिर क्या कहता है, हाउ फार इज द लाइटिंग फ्रॉम अ मैन, देखो क्वेश्चन आ गया कि आप उसका डिस्टेंस निकालो लाइट कितनी दूर से आ रही है, नहीं समझे मेरी बात, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जैनों ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, एग्जाम में आएगा, अच्छा क्या कह रहा है कि हमने वो आवाज़ जो सुनी और जो लाइट देखी और सुनी हुई आवाज़ की और देखी हुई लाइट की डिस्टेंस कितनी है, यानी कितनी दूर से वो लाइट आ रही है, ये सुनो
यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पर क्या है, क्लाउड्स हैं, ठीक है, और इन क्लाउड से क्या आ रही है, बिजली आ रही है, सुनो ऐसे अगर कुछ होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, मान लो ऐसी आ रही बिजली आ रही ना, और यहाँ पर आप खड़े थे और आपने ऊपर देखा, ये देख रहे हो आप, ठीक है ना, तो आप जो देख रहे हो ये लाइट को, यहाँ से लाइट आ रही है, जो इस जगह से आ रही है, ठीक है, तो इस जगह से जो लाइट, अच्छा पता है लाइट कैसे बनती है, जब स्ट्राइक करते हैं बादल बहुत तेज़ गति से करते हैं, जब वो भी कोई चीज़ बहुत तेज़ी से टकराती है तो एक चिंगारी निकलती है, उस चिंगारी को यहाँ पे हम बिजली कह रहे हैं, ये सुनो, तो करंट आया क्योंकि यहाँ बहुत सारी तेज़ी से बहुत चीज़ टकरा रही हैं, है ना, तो ये लाइट आ रही है, इसकी हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस, हिंदी में बेटा दूरी निकालनी है, ये क्वेश्चन है। तो दूरी कैसे निकलेगी, डिस्टेंस कैसे निकलेगी, पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हिंदी में तय की गई दूरी लिया गया समय, देखो चाल बराबर लिखो ना बेटा, हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, हिंदी में चाल बराबर दूरी बटा समय, हाँ जी दूरी बटा समय। अब देखो इसने हमें निकालनी क्या है, इसमें डिस्टेंस तो पूछा, क्या कह रहा है, हाउ फार इज लाइटिंग, फार मतलब डिस्टेंस, दूरी कितना दूर है, तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, निकालनी किसकी है हमें, हाँ इसमें स्पीड दी हुई है साउंड की कितनी है, है ना, ये सुनो, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट की लेनी चाहिए, साउंड की लेनी चाहिए, इसमें आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये तो लाइट को ले लो, लाइट कहाँ से आ रही है, हाँ तो लाइट वाला हिसाब किताब बहुत तेज, वो तो लाइट की एक जेन्युइन सेकंड में 3.0 × 10⁸ मीटर/सेकंड, वो तो सेकंड में है, लेकिन यहाँ पे तो आवाज़ आ रही है ना, तो भलाई इसमें आवाज़ की ना ले लो, अगर हम आवाज़ की ले लेते हैं बेटा, हाँ बेटा आवाज़ की डिस्टेंस ले ले, साउंड की कितनी होती है 3.44 मीटर/सेकंड, तो ये 3.44 क्या है, जहाँ पे ध्यान रखना मीटर भी और सेकंड है, वो क्या है स्पीड है, ध्यान रखना डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, जिसमें मीटर, ट्रिक बता रहा हूँ, जिसमें मीटर और सेकंड दोनों मिल जाए वो ना तो डिस्टेंस है ना वो टाइम है वो स्पीड है, यानी ध्यान रखना स्पीड को किससे डिवाइड करते हैं, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम से, तो टाइम बाय बटा सेकंड हो, सॉरी डिस्टेंस बटा सेकंड हो गया, टाइम हो गया मतलब दूरी बटा समय, दूरी बटा दूरी मतलब डिस्टेंस को, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब मीटर, दूरी मतलब मीटर, और टाइम मतलब सेकंड, क्योंकि ऐसा यूनिट डिस्टेंस का क्या है मीटर, और ऐसा यूनिट टाइम का क्या है सेकंड, हाँ तो मीटर पर अपॉन सेकंड, यानी हमारा ये क्या है, कहीं ना कहीं इन्होंने मजाक मजाक में क्या दे दिया आपको, स्पीड यानी क्या दे दी चाल, तो अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता, मतलब स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 330, टाइम 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या आया, अच्छा अच्छा सेकंड का चला गया, हाँ गीते का सेकंड का चला गया, बताओ मीटर पर सेकंड था ना, बोलो हाँ देखो पर स्पीड, नहीं नहीं स्पीड में वो तो नहीं आएगा, मैं गया कहाँ, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, देखो कट कट गया ना, ये कटा कैसे बताता हूँ मैं, डिस्टेंस था ना आपने, इस स्पीड में थी, स्पीड किस में थी, कितनी मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड नीचे सेकंड है ना, इनटू किससे हो रहा है, टाइम से ही तो हो रहा है, और टाइम कितना था 4 सेकंड, देखो सेकंड से ये तेरी सर इसे बता रहा हूँ, ये कट जाते हैं, और 3 × 4 = 12 × 4 = 12 = 13 कितना हो गया 1320 यानी 1320 मीटर, या सुनो, तो ये था आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गया होगा, इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में मिल जाए तो आप प्लीज़ कर लेना बच्चों, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम, हाँ जी तो ये वाला है, ये हो गया आपका, अच्छा जी आंसर, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हिंदी में, अच्छा ये न्यूमेरिकल है आपका, यहाँ पर एक बार देख लो फिर किताब वापस करो मुझे, अब मम्मी से किताब मांगो वाली, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मिल गया बेटा, क्या कहता है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यहाँ पर,
द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट इज स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस कॉल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मिल गया। यानी जब किसी चीज़ पर टकरा कर वापस आता है वो प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, है ना। इसका एक लॉ भी है ना, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन नहीं परावर्तन। ये आगे देखो, मान लो ये लाइट टकराई, मान लो यहाँ से लाइट आई और इस पर टकराई, ये एक प्लेन है, इस पर टकरा के क्या गई, वापस गई। इसके बीच में एक लाइन खींचती, से कहते हैं हम नॉर्मल लाइन, हिंदी में अभिलंब, क्या कहते हैं इसको, अभिलंब, नॉर्मल लाइन हिंदी में कहते हैं इसको बेटा, अभिलंब अभिलंब अभिलंब। यहाँ बैठो, कोई दिख रहा है, यहाँ बैठो है ना, कोई नहीं, जहाँ जगह मिली बैठ जाओ। अभिलंब कहते हैं सुनो। हाँ अभिलंब कहते हैं। और ये क्या, इस जगह इस पॉइंट को कहते हैं पी फॉर पोल, ध्रुव हिंदी में ध्रुव है ना। तो यहाँ पर टकराई, इसका एक लॉ बता रहा हूँ मैं, ये है लॉ ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी अभी लॉ बता रहा हूँ। यानी अगर कोई कोई नहीं, ये लाइन है इसीलिए नहीं जाती है। अब मान लो ये क्या है, कोई प्लेन है, कुछ ही मान लो, चलो प्लेन मिरर मान लो, एम डैश एम, यहाँ से एक लाइट आ रही थी, यहाँ ऐसे करके आपने लाइट मारी, ये जो आ रही है इसका नाम होता है, एथ क्लास में पढ़ा हुआ आपने, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये टकरा के क्या गई, ये बच्चे बड़े अच्छे इंटेलिजेंट हैं यहाँ पर, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे हिंदी में कहते हैं, अच्छा अच्छा हिंदी वाला, आपतित किरण, क्या कहते हैं इसको, ये देख वही लिखा, आपतित किरण, और हिंदी में यहाँ क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, किरण, ठीक है। अच्छा ये जो जब टकरा के वापस गई, इस पॉइंट का नाम क्या है, पी, पी फॉर पोल, हिंदी में ध्रुव। अच्छा जी, ये टकरा के जो वापस गई ही, तो जो जहाँ से गई टकरा के गई, इसने इसको डिवाइड किया, ये जो लाइन जा रही है वाली बीच में, इसको कहते हैं एन, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल रे, नॉर्मल रे, प्रिंसिपल एक्सिस होता है एक स्फेयर मिरर में, अभी नहीं है वो, टेंथ में सिलेबस में, स्फेरिकल, कनकेव, कन्वैक्स, हाँ जो भी है, वॉट एवर, ठीक है। आपका चश्मा कौन सा वाला है, दूर का पास का, दोनों ही है, तो दोनों लेंस लगे आपको, कनकेव भी और कॉनकेव और कॉनवैक्स, गुड। तो इसे कहते हैं अभी लंब रेखा, नहीं किरण, किरण किरण, अभिलंब किरण, मिल गई। वो तेरे पास फोटो, फोटो का वो है क्या, फोटो स्कैन कर रहा है उसको, लिखना। और तुम क्या कर रहे हो भाई साहब, हाँ तो ये है। अच्छा ये जो होता है इस प्लेन पर ध्यान रखना, नुमेरिकल क्वेश्चन आता है बेटा, इसलिए करा रहा हूँ मैं, नुमेरिकल आएगी इस पर एक। ये जो होता है यहाँ से बेटा, हमेशा इस एक्सपेंस प्लेन पर, इसको नाम दिया मैं प्लेन, क्या है हिंदी में, समतल, सपाट लिखो उसे हिंदी में, हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए ना, सपाट है ना। तो ये सपाट यानी जो प्लेन है, इस पर जो लाइन गिरी, ये कितने एंगल बनाती है, 90 डिग्री, ये सुनो, एक नंबर आ रही है अभी देखो। तो जो एंगल यहाँ होगा, अच्छा दूसरा इसका लॉ होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और वो किस, और इसे डिवाइड कौन कर रहा है, ये नॉर्मल, नॉर्मल क्या कर रहा है, इन दो एंगल को बच्चों बराबर बराबर बांट रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ बच्चे होता 45 डिग्री, तो यहाँ भी कितना होता बच्चे, कैसी रही, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम है ये, समझो। तो यहाँ तक आती है समझ में,
अच्छा अगर मान लो एक नुमाइकर बता तू ऐसा आता है, मान लो वो कहता है कि रे ऑफ एक्सिस गिरती है और एक एंगल बनाती है प्लेन से, किसे बनाती है, हाँ आपतिक किरण गिरती है और सपाट पर कोण बनाती है। अब सपाट पर यानी प्लेन पे एंगल बनाया तो एंगल बनाती है, वो बनाती है 50 डिग्री, जिससे पूछूंगा बताएगा। तो जो 50 डिग्री एंगल बना रही है वो बताओ प्लेन से बना रही है या नॉर्मल से बना रही है, प्लेन से। तो तुम एंगल 50 कहाँ लेने वाले हो, बोलो ना इधर। यार ना ये ऐसी वर्डिंग आएगी कंफ्यूज करने वाली, उसने एंगल किससे बनाया, प्लेन से। अगर नॉर्मल से बनाती वो लाइन आती तो तुम यहाँ लेते, यहाँ पर कहाँ पर, तुम इधर लेते, ये सुनो। लेकिन उसने तो बोला प्लेन, यानी प्लेन तो आपका इधर है, तो 50 यहाँ बनाती है। तो अब वो पूछेगा उसका रिफ्लेक्टेड एंगल बताओ, कौन सा एंगल बताओ, रिफ्लेक्टेड एंगल तो जाएगा, जब इंसिडेंट एंगल आएगा वो प्लेन से पता लगेगा। तो आप सब कुछ भूल गए, बताओ कि इतना हमारा 90 होता है और उसने बोला कि इतना 50 है, तो यहाँ कितना आ गया, तो यानी इंसिडेंट एंगल नॉर्मल पर कितना हो गया, और जो इंसिडेंट होगा वही, तो रिफ्लेक्टेड भी कितना हो गया, कैसी रही। ये है क्वेश्चन, ये आएगा, ये आता कंफ्यूज करने में, क्या बोलेगा कि एंगल बन रहा है प्लेन से, किससे बन रहा है, ओए सपाट, सपाट से कोण बनेगा, पता नहीं वो कैसे होगा, मेरा ऐसा ही है, ठीक है, सपाट से कोण बनेगा और पूछेगा रिफ्लेक्टिव यानी परावर्तित कोण बताओ। तो क्या करोगे, इंसिडेंट एंगल निकाला 90 से माइनस करा तो जो अंदर वाला आ गया नॉर्मल से, अच्छा इंसिडेंट एंगल किससे बनता है, नॉर्मल से, और अगर नॉर्मल उसको डिवाइड करता है, जो नॉर्मल रे है उस इंसिडेंट एंगल को इक्वल बनाता है रिफ्लेक्टिव एंगल से, यस और नो, नहीं, चलो ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन यानी टॉपिक की तरफ और देखते हैं ये टॉपिक क्या कहता है। हाँ जी हो गया, शाबाश। तो अगला देखो ये टॉपिक क्या कहता है बेटा, तो हाँ तो इसको हटाते हैं, तो अच्छा इसका लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बच्चों ये अंडरलाइन करो, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ओबेड ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मिल गया, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ओबेड ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अच्छा लाइट को साउंड को दोनों के लॉ सेम है, जो बात बोली ना मैं भी बॉल मारी वापस आई, अगर मैं बॉल ऐसे मारूं, अच्छा ध्यान रखना अगर लाइट परपेंडिकुलर पड़ती है तो गो बैक भी परपेंडिकुलर होती है, ये सुन लो, लाइट अगर स्लैंट होगी तिरछी होगी तब होगी बॉल ये एंगल। अगर मान लो लाइट ये आपका था कुछ, अरे एक बार फिर से एक चीज़ बताना भूल गया मैं, जितनी बता रहा हूँ 9-10 सब में काम आएगी, पूरी ज़िंदगी भर बातें हैं इसीलिए ढंग से समझना। हाँ मान लो ये है, ये ज़मीन है, ये कुछ भी मान लो उसको, इसे और प्लेन मान लेते हैं इसको, इसका सपाट नीचे, ठीक है, और ऊपर से आ रही लाइट सीधी, और पड़ते कितने का एंगल बनाती है 90, और जब 90 डिग्री का एंगल बन गया मान लो अगर इधर, तो आपका रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 90 और नो वर्क। जब एंगल 90 डिग्री होता है उसमें वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू जीरो, यानी कार्य क्या हो जाता है उस वक्त, ये बाद में बताऊंगा तो सुन लो बस होता है, ठीक है, टॉपिक हमारा साउंड है ना कि वर्क है, ये सुनो, ठीक है, 90 डिग्री वर्क क्या होता है, अब पूछ लेगा, हो सकता है कोई टीचर पूछे आपसे, है ना ऐसी समझे, तो क्योंकि ये सीखा जुड़ा हुआ है लेकिन अभी सिलेबस में ये चीज़ें हैं नहीं इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया इसके लॉज और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो हो गए, जिसमें पहला क्या है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल सारे एक ही प्लेन पे होंगे, आपतित परावर्तित अभिलंब सारे एक ही सपाट पर होंगे, देखा उसका नाम तल है शायद, है ना, सपाट का नाम क्या है, आपतित ध्वनि तरंग परावर्तित ध्वनि तरंग और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होंगे, देखा तल में, मैंने बोला तल लग रहा। दूसरा ध्वनि के परावर्तन का कोण सदैव ध्वनि के आपतन के कोण के बराबर होता है, आपतन मैंने क्या यूज़ किया था, कौन छुट्टी कर लो रहने, छुट्टी कर लो आज, हाँ ठीक, हाँ चलो बात समझ आ गई, नहीं आई देखो, हाँ हो गया, तो ये तो हो गई बात पूरी क्लियर, हमने आपको लॉ समझा दिया सारे, ये सुनो देखो बनी बनाई है मैं समझा दी, इसे छोड़ दो, है ना, अगर इधर है कान से सुन रहा है ना, इधर से गई इधर से आ रही है आवाज, चलो ये भी कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, अच्छा कौन कौन से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, देखा ना
आपको चारों तरफ से घेर लिया है ना, आ जाओ बाहर, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। तो वो बिजली का तार लेकर कहाँ घूमेगा पुलिस वाला, है ना। इतने में पता लगा वो तार लेकर आया, इतनी देर में वो भाग गया। तो उसके पास सबसे बड़ी जुगाड़ क्या है, एक बड़ा सा होता है, क्या होता है देखो, छोटी सी बात को ऐसे फैला रहा है, मुँह से लगा लिया उसने। और वो जा किससे रही है, बोला थ्योरी मेटल से, और मेटल होएगा तो मेटल क्या करता है, उसकी आवाज़ को बढ़ा देगा। साइंस समझ में आ गई, जब मेटल पर डंडा मारते टन की आवाज़ आई, बहुत दूर तक गई वो आवाज़ मार रहा उस पर। कभी देखना कोई बर्तन हो पास, घर जाकर एक्सपेरिमेंट करना, ऐसे बोलना और बहुत पास से चिल्लाना एकदम, देखना कैसे आवाज़ आएगी, गूंजेगी आवाज़। समझ में आ रही, हाँ। और ये सारे एक्सपेरिमेंट कब करना है, हाँ, जब घर वाले इधर हुए छत पर, उन्हें कहेंगे पागल आगल हो गया है। हाँ आगे बढ़े, मेगाफोन एंड बल्ब हॉर्न दिखाई दे रहा है, ये दूध दूध वालों के पास होता था पहले, दूध ही आते थे, देखा है आपने, इस तरह का वो बजाते थे मुँह से, है ना, और हाथ से भी बजाते, आइसक्रीम वाले के पास होता था। अब ऐसे कम है, अब तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई, बैटरी वैटरी आ गई है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बैटरी वाले वो कर देता है बंदा आकर, हाँ, ऑटो में होता है, होता है सब दबाने वाला। चलो जिस समय आ गया, मेगाफोन एंड बल्ब, ये तो पता ही है इसमें क्या लिखना, ये किसकी प्रॉपर्टी है, एप्लीकेशन रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन साउंड होता है पकड़ के निकल ला, रिफ्लेक्शन वाला पड़े वापस, तो मेगाफोन और बल्ब हॉर्न हो गया, ये सुन लो हिंदी में, ये कहाँ थे, हाँ जी जल्दी करो फिर, हमने देखो तुम्हें पूरा समझा रहा है इसीलिए, चलो टाइम कम है जल्दी करते, ठीक है। और एप्लीकेशन कहाँ लगती है इसकी, हिंदी में, हिंदी में क्या लिखा था, हाँ, अरे यार तुम्हारी रफ्तार चोरनी खो गई बेटा। ध्वनि के प्रावर्तिक अनुप्रयोग, अंडरलाइन कर लो इसको, ला दिखाओ मुझे, तो मुझे खोए खोए लगते हैं यार, क्यों भाई, हैं कहाँ पे खो गए तुम, वापस आ जाओ, पकड़ो जल्दी से। हाँ, मेगाफोन एंड बल्ब फोन मिल गया, तो ये पहला हो गया। दूसरा बच्चे स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप ये ना बेटा, अब तुम खामोश रहो बस, हो गया ठीक है। ये भी हमारा वो लगा के आवाज़ आती है, रिफ्लेक्टिव तो हो रही है, कान में लगा के सुनता हुआ है। स्टेथोस्कोप इज़ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज बाई डॉक्टर फॉर लिसनिंग टू द साउंड प्रोड्यूस विद इन द ह्यूमन बॉडी, मेल इन द हार्ट एंड द लंग्स, याद है उनकी आवाज़ सुनता है वो, है ना, दिखाई दे रहा है, उससे पता लगता है धड़कन, वो गिनता है ना फिर कितनी होती है एक मिनट में, 70 बीट्स, हार्ट बीट्स 72, 72 होती शायद 72 है ना, नहीं, हार्ट बीट इन वन मिनट्स, फॉर एडल्ट 18 एंड ओल्डर अ नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट इज बिटवीन 60 to 100 बीट्स, फिक्स्ड नहीं है, वैसे मैंने ही पढ़ा 72 लेकिन फिक्स नहीं है वो, वो 18 साल का जो 18 एल्डर जो है ना बालिग, हार्ट रेट जो होती है 60 से 100 बीट्स की। मेरे पास फिटबिट की वॉच है एक, जैसे आप पहने हैं ना HRX, है ना, तो जो फिटबिट की वो ये भी है मेरे पास, सॉरी, तो है ना, तो इसमें वो भी है हार्ट का भी, इसमें नीचे है वो लाइट जलती नीचे, ये कौन सा मॉडल है, 2A1 है, MI, ये MI1 लग रहा है, इसमें नहीं है हार्ट, ठीक है, इसमें हार्ट है, फूड स्पे वो पेडोमीटर होते हैं, हार्ट नहीं है इसमें, वो HRX2 में है, ठीक है, नहीं 2 या 3 में, उसका बैंड ऐसी है लेकिन थोड़ा चेंज हो, मैं क्या कहता था, अच्छा तो उसमें मैं कभी करता हूँ तो मेरी कभी 60 दिखाता है, यहाँ पर लगा के होती है, कभी 70-84 तक गई है, समझे, 100 से पार मर जाऊँगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो जो हार्ट अटैक, तो आसमें तो कहता 60 to 100 बीट्स तक होती है पर मिनट, BPM कहते हैं, बीट पर मिनट, है ना। फॉर चिल्ड्रन 6 to 15 साल के बच्चे जो हैं उनमें होती है 70 to 100, बच्चों में तेज़ है, कहीं खून बहुत तेज़ है इनका दौड़ता है, जैसे आप लोगों की 70 से स्टार्ट होगी गाड़ी,
और हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी 50-60 से, है ना। जैसे बूढ़ा आदमी होता है वो ऐसा हो जाता था, बहुत आलसी सा लगेगा, है ना। कभी देखा होगा चाय कप कप पीते हो किसी को, स्लो मोशन देखा होगा, बूढ़ों को देखना स्लो मोशन, ऐसा लगता है कि किसी ने उनको वो सेटिंग छेड़ दी स्लो मोशन की। वो बच्चे के होते पटाख से वो गिर भी जाती है, तू क्या आराम से पिया कर, क्यों बहुत जल्दी से। ये रीज़न क्या है, सारा खेल किसका, ब्लड सर्कुलेशन का, हार्ट बीट का, ऐसा आगे बढ़े। तो चलो ये ऐसी थी नॉलेज के, ना आगे बढ़ते हैं। तो साउंड बोर्ड समय आ गया। अच्छा साउंड बोर्ड होता है, उसमें भी होता है, साउंड बोर्ड देखा होगा आपने, कोई बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो अच्छा काम कर रहा है, ये साउंड बोर्ड एक मान लो, मैं जब बोलूँगा तो आवाज़ पूरी जाएगी, ये पीछे जाने नहीं दे रहा। तो देखा जब स्पीच बोलते हैं तो पीछे, कभी देखा होगा आपने कि वो पीछे एक लकड़ी का बोर्ड लगा देते हैं, कभी देखना नोट करना, तो वो साउंड बोर्ड कहते हैं। इसकी आवाज़ क्या होगी, पीछे नहीं जाएगी, वो पूछे बोल रहा हूँ मैं, मान लो आवाज़ कैसे फैलती है, तो वो पीछे भी जा सकती, तो भी जगह नहीं हो रही, फिर वापस चली जाएगी। हाँ ये आएगी, और एको यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि 70.2 मीटर कम से कम चाहिए, वरना ध्वनि हो जाती, जैसे पिक्चर हॉल में जब मूवी बंद हो जाती चिल्लाना एक बार, है ना, समझे, पता नहीं है कौन सी मूवी, एक बोल होता नहीं मूवी में चिल्लाता है, चार पांच लड़कियों के नाम आते वापस, कौन सी थी मूवी, कौन सी है, हाँ उसमें ऐसा कुछ है, हाँ वो चिल्लाता है। आता है ना वो, उसको उसको चलो टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे आओ, तो उसे कहते हैं एको, ये सुन लो। हाँ जी, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, एक ही आवाज आएगी बार बार, एक ही तरह की, वो तो ऐसे मजाक मजे मजाक में कर रहे हैं, ठीक है। द साउंड बोर्ड इज अ कनकेव बोर्ड, कनकेव होता है ना, विच इज प्लेस बिहाइंड द स्पीकर इन लार्ज हॉल और ऑडिटोरियम, सो दैट हिज स्पीच कैन बी हर्ड इजिली इवन बाई पर्सन सिटिंग एट अ कंसीडरेबल डिस्टेंस, मतलब दूरी पर अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो साउंड बोर्ड क्या हेल्प करता है, एको को मतलब एक आवाज़ को पीछे जाने से रोकता है। देखो ना टकरा नहीं रही, यहाँ जा रही पीछे से, नहीं समझे, तो इस तरह से अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ मान लो, और इधर लोग बैठे हुए हैं, तो इधर भी एक वो लगाना पड़ेगा प्लेन, जब मैं ऐसे बोलूँगा तो ऐसे टकरा के जाएगी, उसने दिखा भी रहा है, दिखाई दे रहा है, तो इस तरह या पीछे ऐसे बोल रहा हूँ तो पीछे चाहिए, मान लो अगर ऐसे लोग बैठे हैं तो मैं तो सभी तरफ जानी है, तो एक तरीका करते कनकेव कर देते ऐसे, अब मैं बोलूँगा ना कुछ आवाज़ ऐसे ऐसे टकरा के चली गई, आ गई, ये सब कनकेव का मतलब, ऐसे जो डिस्टर्ब नहीं होती, ये कनकेव है ना। चलो अब बात करते हैं, इतना था बस ये बता रहा था मैं, तुम लोगों को कहीं आ जाए तो थोड़ी दिमाग में पता होना चाहिए बातें। अब बात करते हैं एको, एको को मतलब होता है प्रतिध्वनि, यानी जब किसी चीज़ को आप दोबारा से सुनते हो और फिर बार बार उसी चीज़ को सुनते हो तो वो प्रॉपर्टी एको कहलाती है, यानी वो आवाज़ क्या है, एनर्जी है, पता है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है, यानी वो ऊर्जा या तो कहीं ट्रांसफॉर्म हो सकती है, अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही तो उसी शेप में बनी रहेगी, नहीं समझे। कहते हैं अगर पहाड़ों पर जो नहीं होते वैसे वाले, वहाँ पर चिल्ला के आओ, उसकी आवाज़ को आप 100 साल बाद भी जाओगे तब भी मिलेगी, बस उसकी थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, मिलेगी ज़रूर, कुछ जगह नहीं होती आवाज़ें आती रहती हैं, हाँ वहाँ पे आती हैं आवाज़ें भाई, आज भी वे लोग चिल्ला चिल्ला चले जाते तो गूंज रही वहीं पर, फंस गई आवाज़, ट्रांसफॉर्म हुई थोड़ी बहुत लेकिन बाकी सारी हुई हैं, तुम गए चिल्ला के आए अभी भी आवाज़ आ रही हुई वाली, भूत है यहाँ पर, है ना, वो भूत नहीं है, वो आप ही हो, समझ में आ गया। तो वो ये बता रहा है कि डरना नहीं है, हाँ लेकिन भूत के सिंपल से हैं, बाकी बता रहा हूँ भूत आ गया तन तो सदा मेरी आवाज़ है, तो हाँ तो भागा भाग होता है बेटा रुकना नहीं, हाँ जी इसका इसका भी ध्यान रखना है। तो चलो एको के पे आ जाते हैं हम लोग, एको कहाँ था यहाँ पर, तो अच्छा द मिनिमम डिस्टेंस कहाँ थे, तो ये बस हो गया भाई यहाँ से करो, द मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे आंसर इसका, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हेयर एन इको इज 70.2 मीटर, मिल गया एको का क्या है, मिल गया कितनी होनी चाहिए, मिला तुम्हें ये वाली बात, दिखा मुझे यार तुम ना, तुम यहाँ बैठो, तुम वहाँ से उठे जाओ, तुम थोड़ा सा रखना पीछे, हाँ पीछे चले जाओ, ये आ गए, ये पूरा लगा लो अंडरलाइन, चलो ये सारे जो प्लान से लगे हैं छापो। तो ये तो हो गई 70.2 मीटर होनी चाहिए, अच्छा इसकी डेफिनेशन ये है, पूरी पूरा लिखोगे वहाँ से वहाँ तक फिर यहाँ पर,
द रिपीटेशन ऑफ साउंड, अब तो समझ में आ गई है ना, एंड एको इज सिंपली रिफ्लेक्टेड साउंड, मिल गया। द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाई द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एन एको, यानी जो रिपीट हो रही है वाव, अब जो मैंने बताया एग्जाम्पल में जो आवाज आई पाँच छः, वो क्या है, एक एको है, और एन एको इज सिंपली या रिफ्लेक्टेड साउंड, जो क्या है, एक रिफ्लेक्टेड साउंड ही है, क्योंकि वो आया फिर टकरा गया फिर वापस गया। मान लो जैसे कैरम बोर्ड में आप क्या कहते हैं उसको, नहीं कुछ बोलते हैं उसको, वो बोलते नहीं, हमने कुछ और बोला था उसको, क्या बोलते थे, कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो कुछ कला चलाते नहीं हो, स्ट्राइक करते हैं उसको, वो ऐसे ऐसे जाता है, स्ट्राइकर होता है वो, हाँ स्टिकर स्ट्राइक करता है वो, है ना, मेरा प्रोनाउंसिएशन सेम खराब है लेकिन इंग्लिश खराब नहीं, सॉरी, हाँ वो क्या होता है, आगे पीछे जाता है ना, वो स्ट्राइक करता है, स्ट्राइकर, ठीक है, आगे गए तो वो कहीं ना कहीं कूद गया, फिर उसको फोर्स लगा, फिर वापस गया, फिर आया, पाउडर ज़्यादा होना चाहिए बस उसके ऊपर, है ना, ग्रेफाइट डलता है उसके ऊपर, ग्रेफाइट का पाउडर आता है वाइट कलर का, आगे बेटा, तो कैसी रही, वैसी आवाज़ है, आवाज़ पड़ी फिर वापस आई, निकल ही नहीं पाई, फिर पड़ी फिर वापस आई, नहीं समझे, ये है गेम, समझ में आ गया, इसलिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रखता है। अच्छा 20 डिग्री सेल्सियस में लास्ट टाइम बताया था कितना होता है, 344 मीटर है ना इसकी स्पीड है, जो है ना, यानी कहने का मतलब अगर 20 डिग्री टेम्परेचर है तो वो एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, 344, यानी कमरे का अगर लंबाई कर दो 344 मीटर, तो आपको वो आवाज़ अगली बार कब सुनाई देगी, एक सेकंड बाद, एक सेकंड नहीं दो सेकंड बाद, पता लग गई, पहले तो गई, एक सेकंड जाने का, एक क्वेश्चन आ गया, अब नहीं समझे, अगर मान लो मैंने यहाँ से आवाज़ छोड़ी, पहले गई एक सेकंड में, फिर आएगी भी तो कितने लगा, लेकिन डिस्टेंस कितनी टेक कर रही है, 344, डिपेंड करता कमरा 344 मीटर का होना चाहिए, तभी तो जाएगी फिर वापस आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा, ठीक है, समझ में आ गया, ये समझाने के लिए तुम समझा रहा था, बाकी अब जाते हैं न्यूमेरिकल फटाक से, ये आ गया, कैसे रही, ध्यान रखना इसमें बच्चे हमेशा कन्फ्यूज़ होते हैं, उसमें दिया कुछ और होता है, पूछ कुछ और लेते हैं, और बच्चे टाइम डबल करना होता है बेटा इसमें, ये आ गया क्वेश्चन, पेज नंबर 194, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हो, पेपर में आएगा, रखा हुआ है वाला, ये दिखाई दे रहा है, ये एको पे क्वेश्चन है, अभी आएगा सोनार, वो तो 900% रखा है, सोनार अभी आते हैं, बस हो जाएगा, आ गया। अब मैन क्लैप हिज हैंड नियर अ माउंटेन, मतलब ताली जाता है वो एक पहाड़ के पास, हाँ वेट कर लो बगल में, बगल में वेट करो, और एंड हियर्स द इको आफ्टर 4 सेकंड, कितने बार सुनता है अभी आवाज, 4 सेकंड बाद, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड अंडर दिस कंडीशन 330 मीटर, स्पीड दे दी साउंड की है ना, तो क्या गो डिस्टेंस द माउंटेन फ्रॉम द मेन, तो उस मेन डिस्टेंस बताओ माउंटेन की आदमी से उस पहाड़ की, आप समझ कोशिश करना, 4 सेकंड दिया लेकिन हम लेंगे कितना, क्योंकि उससे तो डबल टाइम लगा, लेकिन वो तो बोतल हुआ कि मान लो पहाड़ वैसे ऐसे वापस आएगा, पहाड़ तो एक ही जगह ही है, गेम समझ में आ रही है, डबल कहा था, गेम समझ में आ गई, यही था क्वेश्चन, ये 4 है तो क्या हो गया, अगर डिस्टेंस निकालनी है और अगर एको निकालनी है तो टाइम डबल कर देना, कैसी रही, आ गई गेम समझ में, डिस्टेंस निकालनी है टाइम हाफ कर दो, एको निकालने टाइम डबल कर दो, कैसी रही, दिस इज द ट्रिक ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अब समझ में आ गया, तो डायरेक्ट हम लोग सम टाइम वेस्ट नहीं करते, हमें यहाँ पे लाइन मिली गई है तो अंडरलाइन करते, दिखाई दे रही वाली 4/2 सेकंड किया, क्योंकि डिस्टेंस तो सिंगल ही होगी, एक ही जगह पर ही तो है, तो टाइम का, क्योंकि एको तो डबल टाइम ले रही है, बताया ना, तो जो भी अगर 6 होता तो 3, 8 होता तो 4, अंडरस्टूड, तो इसलिए 4 का सेकंड का कितना होगा, 2 हो गया, हमें स्पीड पता है, डिस्टेंस निकालनी है तो पता है, फॉर्मूला भी लगाया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यस और नो, आ गया ना, इतनी सी बात थी, हाँ जी, वो क्या आपके पास बेटा, कर रहे हो टिक मार्क, अगर जाकर लिखना, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं रेवरिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, कराया गया, हाँ जी, कहाँ गई रेवरिएशन, कराया था, क्या होता बताओ, हाँ क्या होता है रेवरिएशन, तो क्या एग्जाम बाद याद करोगी, पापा से बात कराओ मेरी आज, ठीक है, तो अभी तो बहुत पहले, तो अभी तक याद नहीं हुआ, हाँ मिला बेटा, हिंदी में से कहते हैं अनुरणन, क्या लिखा, ये लिखा है, हाँ ये लिखा हुआ है अनुरणन, ये दिखाई दे रहा है इसकी कुछ प्रॉपर्टी, चार दिख, कैसी रही, मिल गया। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीट
रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ हाउस इज कॉल्ड रेवरेशन. रिपीट हो रहा है, एको का मतलब जाके वापस आ गया. अब वो बार बार 5-7 आवाज़ सुनाई दे रही तुम्हें, वो अब एको नहीं हो गया. एको का ऊपर, एको के और ऊपर जाओ, रेवरेशन. बोला आ गई एको, अब बार बार आ रही रेवरेशन. कैसी रही, आ गया ना, ये फिर आ गया. द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्रैक्शन फ्रॉम द वॉल्स सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड रेवरेशन. नहीं समझे, पहले तो ऐसे आ रही थी, अब पीछे से भी सुनाई दे रही. पता नहीं ये पीछे से आवाज़ आई, आती है कभी कभी, देखना. आप बोला यहाँ से आवाज़, पीछे से आ रही. ये मूवी अभी आई है 3 Super 30 में, इस थ्योरी का उन्होंने यूज़ किया है ना, वहाँ से बोल रहे, वहाँ से सुनाई दे रही थी. देखा है उन्होंने मूवी में, देखने दिखाया कि उन्होंने ये वाली थ्योरी यूज़ की है. वो तो नहीं कभी कोई यहाँ से आवाज़ आ रही, बंदा वहाँ से बोल रहा है, यार ये यहाँ से बोल रहा, आवाज़ यहाँ से कैसे आ रही. रेवरेशन है वो, क्या है वो रीज़न, देखो यहाँ लिखा हुआ है. कभी ऊपर टकराई, कभी इधर टकरा रही, तो जहाँ टकराएगी वहाँ से तो आएगी. पहली वाली तो सीधी आई, दूसरी बार जहाँ टकराई उसका शेप अलग था. मान लो कनकेव हो गया, यहाँ टकरा के कनकेव हो गया, उसने कुछ इधर भेज दी, कुछ इधर भेज दी, फिर पता लगा इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही. ये सुनो वही है, आ गया. अभी यहाँ पे अंडरलाइन करो 4 पॉइंट इसके. इसमें प्रॉब्लम है, पता है ना. अब एक प्रॉब्लम है कि इसको रिड्यूस कैसे करें, इस रेवरेशन को. ये प्रॉब्लम ही है पिक्चर हॉल में, पर्दे लगा दिए, लकड़ी लगा देते हैं. वोट्स देखा होगा, यू विल सी व्हेनेवर यू एंटर इन द पिक्चर हॉल यू विल सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कर्टेंस एंड व्हाई दे आर यूजिंग द स्पॉन्ज. स्पॉन्ज ही कहते हैं आई थिंक, स्पंज, वो स्पंज शीट्स फॉर यू नॉट नो सिंपली बिकॉज दे आर गोइंग टू रिड्यूस द रेवरेशन. क्योंकि वो उसको कम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आवाज़ है पिक्चर 340 कितना है, 70.2 meters से ज़्यादा है, आवाज़ गूंजेगी, इसलिए गूंजेगी तो अगला डायलॉग नहीं सुनाई देगा. नहीं समझे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना. तो उसको ख़त्म करने के लिए वो क्या करते हैं, जैसी आती, जैसी वो उधर उधर गई, वो सब मुँह खोल के बैठे, आ जा बेटा, नहीं बस जाके बाप ऐसे आएगी, और जैसी इधर उधर भागी, आपके कानों में आई और कानों से जहाँ गई वो दीवार पर टकराई, दीवार ने पकड़ लिया, गद्दियों ने पकड़ लिया. गद्दियाँ स्पंज किस लिए होती हैं पता लग गया, वो आप लोगों ने लगाई उनने, वो तो आप लोगों को बस मौका मिल गया बैठने का, बगल में बैठ जाओ, ये सुन लो. लेकिन वो जेन्युइन रीज़न ये था. कभी देखना पिक्चर में दीवार पर देखना छेद छेद से होते हैं, कभी देखना. वो उनके पास पैसे कम थे ईंटे के, ईंटों के नहीं ना, नहीं वो बनाए गए हैं, वो जो छेद हैं पीछे लकड़ी लगी हुई है अंदर दीवार के अंदर, पिक्चर की दीवार के अंदर लकड़ी लगी होती है. वोट्स की गुड सीधा गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड, लकड़ी होती है ना, दरवाजे भी लकड़ी के होते देखना, और बाहर जरासी भी आवाज़ नहीं आती जैसे दरवाजा बंद. नोट किया, आ गया ना, ये सारी लाइन से यही था क्वेश्चन. क्या क्या करें हमने सारी समझा दिया. कारपेट लगाओ, पर्दे लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, समझू लगा लो, ठीक है इसके अंदर. चलो अच्छा, फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है कितना होता. अच्छा अच्छा, रेंज हो गई, दो तरह की होती है, इंफ्रा और अल्ट्रा. इंफ्रा और अल्ट्रा 20 hertz एंड 20,000 hertz. फ्रिक्वेंसी का ऐसा ही यूनिट हर्ट्स, इसलिए फ्रिक्वेंसी की रेंज है. सबसे कम आवाज़ जो सुन सकते हो आप 20 hertz, 20, और सबसे ज़्यादा सुन सकते हो 20,000 hertz. इससे कम, इससे ज़्यादा आपको नहीं सुनाई देगा. यार ये 20 hertz से आप कम नहीं सुन सकते, 20 hertz से ज़्यादा, 20,000 hertz से ज़्यादा नहीं सुन सकते. अगर आप सुन लेते, वो कुत्ते सुनते हैं, कुत्ते को भूकंप पता लग जाता आ गया, क्योंकि भूकंप की फ्रिक्वेंसी 20 hertz से कम होती है, इसलिए भूकंप की भी आवाज़ होती है. जब जमीन भूकंप आता है ना, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी से सुनने की से कम हो जाती तो पृथ्वी पे आए हुए भूकंप आपको पता लग जाता कि भाई आवाज़ आ रही ज़मीन से. आवाज़ तो आती है लेकिन वो इतनी कम है आपकी ऑडिबल साउंड से, यानी जो आप सुन नहीं सकते. अंडरस्टूड, वो अब तो इसलिए आपकी इनऑडिबल हो जाती है, जो सुनी ना जा सके, है ना. तो रेंज में आ गई, द रेंज ऑफ, अंडरलाइन कर लो बस यही था आंसर. तो फ्रीक्वेंसी हो यानी रेंज कितनी है इसकी, ये एक पूछ लेता है फ्रीक्वेंसी हमारी, हियरिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है. द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 hertz टू 20,000 hertz इज नोन एज फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस. अंडरस्टूड, मनुष्य में मिला बेटा लाइन हमारे से, मनुष्य में सुनने की जो क्षमता है 20 hertz से 20,000 hertz तक की है. ये सुनो अच्छा, इसी को अर्थक्वेक सुनने लिया आपने. अर्थक्वेक एंड सम एनिमल लाइक व्हेल्स एलिफेंट एंड राइनोसीरोस, है ना, राइनोसोर्स
सो डायनासोर्स हाँ जो भी है वो आपका होता है कि क्या होता है वो अरे टावा से हूँ भाई जाके देखो हमसे ही बड़े वाले मिलेंगे वहाँ पर है ना बहुत बड़े वाले मिलेंगे ठीक है वो तो दिल्ली में पता लगा हाँ क्लियर हाँ जी समझे हमारे यहाँ इंग्लिश की क्लास में संस्कृत पढ़ाता है टीचर बैठ के बताओ समझे आगे बढ़े तो हाँ समझे तो अच्छा उसको कहते हैं जो 20th अर्थ से क्या है अर्थ को एक और जो दूसरे जानवर हैं जैसे व्हील्स है एलिफेंट है ना राइनोसोर्स है ना वो इंफ्रासोनिक साउंड को क्या करते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं उनकी आवाज़ सुन ही सकते हैं आप गेंडी की आवाज़ किसी ने सुनी होगी बोलता है गेंडा भी नहीं समझे लेकिन गेंडी की आवाज़ सुनी उसके बाद होती है गेंडा की आवाज़ नहीं सुनी आज तो गेंडे की आवाज़ है राइनोसोर्स की लेकिन वो कौन सी है इंफ्रा कितनी है साइज 5 words है व्हेल की भी सुनी होगी उसकी भी है अब आ जाओ चिंगारा दिखाई दे रहा है वेट पे क्वेश्चन आएगा भी अपने शिकार को कैसे पकड़ता है एको का यूज़ करके हाँ अभी नहीं कहीं पकड़ के वो टच करता है वापस आती है वो समझता है यहाँ पर वहीं पर अटैक क्योंकि वो अंधा होता है वेट वेट को दिखता नहीं है चमगादड़ को समझे तो आ गया द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन 20 hertz आर नोन एज अल्ट्रासाउंड मिल गया और इसका इस्तेमाल भी करते हैं आपके ऑपरेशन में अल्ट्रासाउंड कराएंगे पथरी हो गई हाँ जी चलो पराध्वनि ये हो गया ये अंडरलाइन करो बेटा सब तो लगा पड़ा है यहाँ पर हाँ जी तो ये चलो फिर ये ठीक आ जाओ ये आ गई चमगादड़ वाली बात हाँ जी आ रही है जा रही आ गई ना अब आते हैं अल्ट्रासाउंड क्या होता है यानी 20,000 hertz को अल्ट्रासाउंड कहते हैं और 20 hertz को क्या कहते हैं इंफ्रा बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में रखा है इंफ्रा अल्ट्रा और इनसे मिलके बनता है अगला क्वेश्चन क्लियर कोई दिक्कत नहीं रह गई और इंफ्रा से नीचे जो है आवाज़ रहा जो हम नहीं सुन पा रहे वो तो और छोटा हो गया वो तो इंफ्रा से इंफ्रा 20 अर्थ क्यों क्या कह रहा है इंफ्रासोनिक को क्या लिखा था डेफिनेशन अभी लिखी तो थी अंडरलाइन है ना फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग है ना 20 से 20,000 hertz तो फ्रिक्वेंसी रेंज हो गई और इंफ्रा की डेफिनेशन क्या थी ये इंफ्रासाउंड है ना द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लोअर देन 20 hertz आर नोन एज इंफ्रासाउंड यानी जो 20 hertz से नीचे है वो इंफ्रा है ज़्यादा है वो और जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 से 20,000 hertz तक की ह्यूमन की क्वेश्चन आता है आ गया तो ये बहुत बढ़िया आ गया आई थिंक अब तुम्हें डाउट नहीं हुआ यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो गया 20,000 hertz से ज़्यादा हर्ट्ज़ से ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हाँ जी फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति का SI मात्रक ये सुनो अब अल्ट्रासाउंड आ गया जल्दी से पता लग गया छोड़ो हो गया एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड पता लगे कहाँ कहाँ है हैं इंडस्ट्री में होते हैं याद है वो डैमेज वैमेज को सही करते हैं वो अल्ट्रासाउंड इज यूज इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग फ्लोज एंड मेटल ब्लॉक विदाउट डैमेजिंग देम यानी उन्हें पता होता है कहाँ पे छेद है मतलब पाइप है और पाइप कहीं से फट गया जैसे मान लो गैस लाइन बिछी हुई है सिविल लाइन में पाइप गैस लाइन है उन्हें पता लग जाता है इतनी दूरी पर छेद हो गया उसमें अब वो कैसे पता लगा कोई अंदर घुस के जाएगा पाइप के अंदर कैसे पता लगेगा उन्होंने वहाँ साउंड कुछ होगी मशीन छोड़ा उन्होंने वहाँ से पता लग गया उस साउंड मशीन ने बता दिया कि जो गैस लाइट जो उन्होंने साउंड छोड़ा है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा वहाँ से जाके कहीं भाग रहा है कहीं से उसका वो मशीन ने डिस्टेंस बता दी उस पाइप से वहाँ तक की सेम एग्जैक्ट डिस्टेंस उन्होंने वो मेजर की जहाँ पे हुआ जस्ट वहीं पे छेद कैसी रही ये साइंस उसकी तरक्की कैसी रही यहाँ पर इस्तेमाल होता है आगे समझ में दूसरा पॉइंट क्या है इसका आ गया तो बाकी समझा अल्ट्रासाउंड इज यूज इन इंडस्ट्री टू क्लीन हार्ट टू रीच पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज स्पाइरल ट्यूब्स और शेप मशीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यानी उन जगहों पे जहाँ आप नहीं पहुँच सकते वहाँ सफाई का भी इस्तेमाल करते हैं ये सुन लो वैक्यूम क्लीनर है ना सफाई का अल्ट्रासाउंड इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द थर्मल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी सच एज लीवर गॉल ब्लैडर पैनक्रियास किडनी यूट्रस एंड हार्ट याद है अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो जो हड्डियों का जाता है अच्छा हड्डियों के लिए अल्ट्रा होता है अल्ट्रासाउंड कराते हैं और जो नसों के लिए वेंस के लिए वो कौन सा होता है बताओ एक्सरे को तो गया था अल्ट्रासाउंड हाँ हाँ जो जो हमारे ब्रेन की जो नसें होती हैं उसे कहते हैं MRI MRI क्या करते टिश्यू की पिक्चर लेता है अल्ट्रासाउंड हड्डियों की पिक्चर लेता है क्या सुनो अल्ट्रासाउंड हड्डियों के लिए है और MRI टिश्यू जैसे किडनी देखनी है उसे तो वो अल्ट्रासाउंड थोड़ी आएगी किडनी
अल्ट्रासाउंड में तो किडनी के बाद हड्डी टूटी हुई आएगी वही दही टूट गई यहाँ पर, अब यहाँ प्लस्तर लगेगा यहाँ तो लग ही नहीं सकता, लगाएगा तो वहाँ जहाँ पट्टी बन सकती है, यहाँ काम आया पेट बंद हो जाएगा खाया कैसे तो ये सारी चीज़ें। अच्छा आ गया किडनी यूट्रस एंड हार्ट को देखने के लिए, सुनो कि भाई कैसा है इसका, जो लगा रहा है MRI ऐसी होती है MRI जो होता नहीं तुमने देखा होगा ऐसे ऐसे करती हैं वो मैडम तेल लगा कर, ठीक है बड़ा गंदा जेल होता है ऐसे। मेरा हो गई थी किडनी दो हो गई थी, एक बार 17 एक बार यहाँ 17-11 बहुत सारी किडनी हो गई थी मुझे, किडनी कह रहा हूँ पथरी हो गई थी स्टोन नहीं सॉरी स्टोन हो गए थे बहुत सारे समझे। उसने कहा था कि अब तुम्हारा किडनी क्या होते हैं वो हटानी पड़ेगी लेज़र ऑपरेशन से, तो हमने कहा नहीं नहीं वो मैंने फिर पी पा के सही कर ली समझे, मतलब क्या पानी ज़्यादा पियो हाँ वही हाँ ना वो होती है वो एक होता है घी जैसा लटका होता है पेड़ों में वो होता सबसे बेस्ट घी, देखा नहीं होगा पेड़ों में होते जंगली से पेड़ वो C1 ब्लॉक में लटके हुए हैं वो लौकी जैसे उल्टे होते सूख जाते उनको उनका पानी होता है। और एक उत्तम नगर में एक डॉक्टर है इसका, अच्छा इसमें अंग्रेजी दवाई में इसका इलाज नहीं है, इसका दवाई आयुर्वेद में इलाज, अंग्रेजी में तो ऑपरेशन ही है। वहाँ पर वो कुछ देता था वो पानी दो दो बोतलें भर भर कर वो पीता था, उल्टी होती थी उससे और फिर लगता था थोड़ी देर में कुछ पत्थर टूटा तो वो सारी चीज़ें। अच्छा ये जो मैं बता रहा था वो ऐसे निकाल देता आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैन यू आर यूज टू मॉनिटर डेवलपमेंट ऑफ फीटस इनसाइड द मदर्स यूटरस। अच्छा बच्चे को भी पता कर लेते हैं इससे, ये पता है ये गैर कानूनी इलीगल है, लड़का लड़की क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा केस है लड़कियों को मरवाने के, पता है ना वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा। अल्ट्रासाउंड यूज टू ब्रेक किडनी स्टोन इन टू द फाइन ग्रेन है ना, तोड़ देते किडनी के वो छेद होता छोटा सा और उसमें वो मारते हैं वो नहीं वो लेज़र मार रहे हैं ना वो टूटेगी पत्थर पड़ेगा ना तो वो टूट जाएगा वहाँ से। अल्ट्रासाउंड इज यूज इन सोनार्स एपरेटस टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, अभी सोनार करने वाले हैं। सोनार का मतलब एक प्रॉपर्टीज बताऊंगा, सी की डेप्थ को पता करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन सुना रहा है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। डेप्थ सी एंड टू लोकेट अंडर सी ऑब्जेक्ट लाइक शॉल और फिश, और अंदर कोई ऑब्जेक्ट है जो पनडुब्बियाँ नहीं होती हैं सबमरीन्स उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है, सबमरीन्स होती हैं उनके अंदर ये लगा होता है। शिप रैक्स सबमरीन सी रॉक्स एंड हिडन आइस वर्क्स इन द सी, मिल गया। जो शिप चल रहे होते हैं पता है सबमरीन क्यों लगाते हैं कोई भी कंट्री, मान लो कोई पानी का जहाज ऊपर से आ रहा हो तो उसको उड़ा दिया उन्होंने नीचे से ही, उसको पता ही नहीं नीचे घूम रहा कोई है ना, लेकिन उनको उनने भी पता कर लिया था भाई साहब उनने लगा दिया अल्ट्रासाउंड ये इसको पहले उड़ा दो नींद वो है। तो अगला सोनार है वो नेक्स्ट क्लास में निकल कर आऊँगा ठीक है बेटा, ये कल की क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ठीक है।